हेलो, तो मैं हूँ अमित कुमार और AKFH ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आ गए नेक्स्ट वीडियो लेके। तो अभी हम आपको मांडर मिशन का भ्रमण यानी लोकेशन दिखाना चाहूंगा। तो जो लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और आगे तक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी खुशी हो और ताकि मैं भी आगे चल के आप लोगों को यहाँ का लोकेशन दिखा सकूं। क्योंकि मांडर प्रखंड इतना बड़ा प्रखंड है कि मुझे लगता है करीबन बहुत सारा ब्लॉग वीडियो बनाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और आगे तक जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी खुशी हो, मैं भी आगे चल के वीडियो बना। तो ठीक है, तब तक हम चलते हैं आगे की ओर। तो आपका ये मांडर प्रखंड में आने वाला मांडर मिशन, जो बहुत ही मांडर प्रखंड में सबसे चर्चित क्षेत्र है, खासकर स्कूल के मामले में, तो हम लोग अभी स्कूल से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि कहना मुश्किल लगता है। आप देख रहे हैं कि मांडर पूरा क्षेत्र मांडर में ही आता है, मांडर मिशन में, जो मांडर के मांडर मिशन कहलाता है। और खासकर यहाँ के सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय है तो यहाँ का हॉस्पिटल और यहाँ का स्कूल और ये जगह सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब मांडर में। तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस हॉस्पिटल मांडर रमची, ये आपका बगल में है। और ये आपका जो जहाँ पर आपको ये फूल वगैरह जो दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका मांडर मिशन स्कूल आता है और ये इधर आपका मांडर ये जगह आता है। तो ये आपका गिरजाघर है, शायद ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मांडर मिशन का गिरजाघर है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित गिरजाघर है। और इसके बगल में जो आप देख रहे होंगे, वहाँ पर जो गेट है, वहाँ गेट के बगल में एक लड़कों का स्कूल है जिसको बोलते हैं संतान्ना कॉलेज मांडर करके है। और इधर बगल में आपका जो छोटा सा गेट होगा, वहाँ पर आपका ये हॉस्टल है। और यहाँ पर जो अभी आपका जो बना है, तो यहाँ पर पहले आपका यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा मूर्ति था ईसा मसीहा का, जो अभी नहीं है। और इधर आपका जो गेट है, इधर से आप निकल सकते हैं और निकल के आप सोसाई मांडर कॉलेज की और जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ का लोकेशन दिखा दिया हूँ, तो हम फिर निकलते हैं आगे की ओर। और ये आपका प्राइड होबी स्कूल है, जो दो मांडर मिशन के दो भी चढ़ाए हैं। मांडर पहले जब 1993 ईस्वी में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन अभी के तुलना में 2022 की तुलना में अगर देखा जाए, इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है। और ये जो आप जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, बस यही एक किस्त का रोड था जिसमें आपको बगल इधर के जाने वाले लोग थे, इधर के मतलब बीच पड़ा जाने वाले एक तरफ थे इधर इस साइड में, और उधर से आने वाले रांची लोकेशन में थे। तो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है मांडर अभी मांडर में कि कहना पॉसिबल लगता है, तारीफ़ें काबिल है। लेकिन एक चीज़
चीज़ है, मैंने अक्सर देखा है कि मांडर मिशन में सब कुछ की सुविधा है यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रखंड में इतना ज़्यादा स्कूल्स है, कॉलेज है, हॉस्पिटलाइज है, आईटीआई की प्रावधान तक है, यानी हर किस्म की चीज़ यहाँ पर मिलेंगी आपको। और जो अभी हम मात्र बस 15-20 सेकेंड में अभी जो पहुँचने वाले हैं, ये आपका आता है मांडर सुश्री आश्रम। ये आपका मांडर मिशन सुसाई आश्रम आता है, जो मैं अभी नहीं दिखा सकता, बस मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बगल में, और यहाँ बगल में मंदिर है, और यहाँ पर टोल गेट का सुविधा दिया है 500 मीटर में। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर टोल गेट की सुविधा भी हो जाए। और ये आपका कस्तूरबा गांधी स्कूल है, ये आपका प्राइवेट वाला है, और जो इससे जो आगे साइड में है वो आपका सरकारी स्कूल है, कस्तूरबा गांधी स्कूल, यानी ये सरकारी कृत मध्य विद्यालय है। ये देखिए यहाँ पर दिया गेट है बगल में, एक्सपेंड विकल, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर गुजरते हैं तो टोल टैक्स के बगल में एक संकीर्ण किस्म का रोड होगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर कभी भी आए थोड़ा कम स्पीड में चले, यानी गति अपनी थोड़ी धीमी रखें, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने अधिकांश सारा बचपन यहाँ पर बीता है, पर ज़्यादातर एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर संकीर्ण है और घुमाइन है, जिसकी वजह से गाड़ी में थोड़ा कभी कभी घुमाने में पिकअप में रहने पर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। मांडर मिशन का मैंने आपका लोकेशन दिखा चुका हूं, तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।